सत श्रीकाल दोस्तों, मैं बलजिंदर सिंह सहगल साई होर से एजुकेशन सर्विस तो। सो अज साढ़े वास्ते बहुत ही लक्की डे है बिकॉज ऑफ कि अब साढ़े 5 यूक्रेन के वीज़ा अपरूव होए ने। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैं उन्होंने एडवाइस करना चाहवागा जिन्हों का गैप बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट जिन्हों की 25-30 एज है, क्वालिफिकेशन 10+2 है, परसेंटेज बहुत घट है, आईएलटीएस काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन 6.5 बैंड अचीव नहीं कर पा रहे। सो अज घर बैठे सोच रहे हैं कि साढ़े कोई ऑप्शन है कि असी किसी अच्छी कंट्री अपना वीज़ा अपरूव करवा सकते हैं या नहीं। सो एक यूक्रेन कंट्री तुम सुन रहे हो काफ़ी टाइम तो हूँ बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, हर एक कंपनी, हर एक कंसलटेंट, हर एक एजेंट इन प्रमोट कर रहा है। सो हर एक दस रहे हैं कि सा 1,80,000 का पैकेज है, कोई कंपनी 2.5 लाख का पैकेज दे रही है, कोई कंपनी 3.5 लाख का पैकेज दे रही है। सो मैं बहुत सारे टीवी शो के भी बच्चों एडवाइस कर रहा कि तुम प्रॉपर मिसगाइड ना होवो, साई ओवरसीज विजिट करो, साढ़े को प्रॉपर समझो कि 180 की रियलिटी की है कि तुम कि उत्थे जाके कॉलेज पे करना पेगा, और अगर तुम 3.5 या 4 लाख का पैकेज लै रहे हो किहड़े कोर्स जा रहे हो, लैंग्वेज कोर्स जा रहे हो, बैचलर वास्ते तुम जा रहे हो या मास्टर्स वास्ते जा रहे हो MBA करन वास्ते। सो प्रॉपर ही डिटेल इंफॉर्मेशन लैनी है तो एक बार साई ओवरसीज विजिट जरूर करो। अच्छा मैं वो लक्की स्टूडेंट ने इंट्रोड्यूस करवा जा रहा जो बच्चों के यूक्रेन के वीज़ा अपरूव हुए हैं। सो पहले मैं सब तो पहले नंदनी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, मैम वीज़ा सर वीज़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दसो तुम किस तरह लगे है, वो तुम विश्वास से कि वीज़ा आएगा से क्यों? ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ? थैंक यू मैम, थैंक यू। फॉर नेक्स्ट मैम कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल मैम, वीजा क्या कहना है मैम साई ओवरसीज़ के बारे में आपका? थैंक यू सो मच सर, मुझे बिल्कुल होप नहीं सी मेरा वीजा होगा साई ओवरसीज को आके भी तानू होप नहीं सी स्टडी गैप दा यार कि लॉन्ग डिस्टेंस तक करके ओके तोड़ा स्टडी गैप सी दैट्स व्हाई कि तानू सी कि मेरा वीजा नहीं आएगा। सो हुण तुसी हैप्पी हो? हां जी बहुत। हुण तुसी कदों फ्लाई कर रहे हो? बस कर लेना जल्दी जल्दी जा रहे हो? हां जी चलो डेफिनेटली। सो नेक्स्ट मैम तोड़ा वीजा किस तरह लगे तुम्हें वीजा लगे? यूक्रेन कंट्री क्यों ज्यादा बच्चे जाके बहुत ज्यादा हैप्पी क्यों नहीं, इतना ज्यादा प्रमोट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ की यूक्रेन तो जाके तुसी अगे शेंगन कंट्री या यूके किसी भी कंट्री मूव होना बहुत ज्यादा ईजी है। देखो डायरेक्ट तुसी अगर इसे शेंगन कंट्री अप्लाई करना तो नियर अबाउट 10-12 लाख का खर्चा, लेकिन वो भी वीजे की शॉर्टी नहीं है बिकॉज ऑफ तुहाडी इंटरव्यू है। अगर बच्चा इंटरव्यू क्लीयर कर रहा दैन वो वीजे के चांसिज है, लेकिन यूक्रेन आई थिंक किसी भी बच्चे की कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आई, विदाउट इंटरव्यू तुहानू 100% वीज़ा मिलिया। और अगर तुसी भी चाह रहे हो कि सारी पेमेंट वीज़ा लगन तो बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा चाह रहे हो तो साई ओवरसीज कंपनी विजिट करो और अपना यूक्रेन जान का सपना पूरा करो। सो मैम नूं मैं कहना चाहूँगा डेफिनेटली तुसी भी अगर चाहोगे यूक्रेन तो अगों मूव होना है तो बहुत ईजी उतों मूव होना है। सो तुहानूं मैम तुहाडा वीज़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। तुसी की कहना चाहोगे साई ओवरसीज बारे? ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ
कि अगर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5.56 ਬੈਂਡ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇਨ ਤੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5-6 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂਕਰੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो थैंक यू वेरी मच। हूँ मैं कहना चाहवागा लास्ट से जेडे बच्चे यूक्रेन अप्लाई करना चाह रहे हैं, एज सून एज पॉसिबल साइन ओवरसीज विजिट करन, और कोई पेमेंट नहीं, सिर्फ तुसी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेंथ ऑनवर्ड जो तुहाडी क्वालिफिकेशन है विद पासपोर्ट तुसी विजिट करना है, और तुहाडा यूक्रेन का वीज़ा लैके देना 100% गरंटी साडी है। थैंक यू वेरी मच।